भदोही में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक और उसके दो बेटों और उसके दो भतीजों पर बलात्कार का आरोप एक महिला लगाती है। पुलिस जांच करती है मगर पुलिस ने आज क्लीन चिट दे दिया 5 लोगों को, यानी कि बीजेपी के विधायक को क्लीन चिट मिल गया, बीजेपी विधायक के दोनों बेटों को क्लीन चिट मिला, दो भतीजों को भी क्लीन चिट मिला और एक भतीजा जो कि इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी रहा है, जिसके ऊपर आरोप रहा है, जिस पर युवती ने यह कहा था कि मेरी मुलाकात ट्रेन के अंदर हुई और फिर मुंबई में मेरे साथ में एक तरीके से शादी का झांसा दे करके रहना शुरू करता है। 2017 के विधानसभा चुनाव में मुझे उत्तर प्रदेश लेकर के आया जाता है, जहां के एक होटल में रखा जाता है और मेरे साथ में विधायक के भतीजे के साथ साथ विधायक और विधायक के बेटों ने भी बार बार कई महीनों तक बलात्कार किया। मगर जब यह शिकायत SP के पास में पहुंची, पुलिस ने अपनी जाँच पड़ताल की। जांच पड़ताल शुरू करने के बाद में पुलिस की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 लोगों को क्लीन चिट दी गई है। हम इस पर बताएंगे कि आखिर हंगामा किस तौर पर मचा हुआ, मगर आइए देख लेते हैं कि आखिर यह पूरा मामला शुरू कैसे हुआ, क्या कुछ कहा जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर के। तो 6 लोगों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज हुआ था। वाराणसी की एक महिला ने इन सभी लोगों पर बीजेपी के विधायक के साथ साथ में दूसरे 6 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया था, मगर पुलिस ने अपनी जांच में विधायक समेत विधायक के दोनों बेटे और दो भतीजों को क्लीन चिट दे दी है इस पूरे मामले में। और अब ऐसे में हंगामा भी काफी मचा हुआ है, इस पर विपक्षी पार्टियों का आरोप भी पुलिस के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लग रहे हैं कि बीजेपी के दबाव में, सत्ता के दबाव में पुलिस ने इस पूरे मामले में सही से जांच नहीं की और जानबूझ करके बीजेपी के विधायक को क्लीन चिट दी गई है। इस पूरे मामले में घटनाक्रम को आइए समझते हैं 3 तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरीके से यह पूरा घटनाक्रम सामने आया है। यह तो होना ही था, विधायक और विधायक के बेटे को बचना ही था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी हैं। इसके पहले भी आपने देखा तो नाव में कितनी कोशिश की थी सरकार ने बचाने के लिए, शासन प्रशासन ने बहुत कोशिश की थी नाव की घटना में विधायक जी को बचाने की, शाहजहांपुर की घटना में भी यही कोशिश हुई थी बचाने के लिए, और आज भी जब भदोही की घटना हुई है तो विधायक और विधायक के बेटे को तो बचना ही था, शासन को तो पूरा जोर उन पे लगाना ही था बचाने के लिए। तो न्याय कहां से मिलेगा महिलाओं को, जब विधायक और विधायक के बेटे को पुलिस बचा लेगी तो न्याय की कोई गुंजाइश तो हो ही नहीं सकती। नाथ योगी जी की सरकार बनी है, खुद मुख्यमंत्री जी के ऊपर हत्या और जैसे कई गंभीर मामले थे उन्होंने अपने मुकदमे वापस कराए, फिर आपको जान के आश्चर्य होगा कि बलात्कार के आरोपी रहे स्वामी चिन्मयानंद के मुकदमे वापस करने की कोशिश की जिसे हाईकोर्ट ने रोका, और भाजपा के कई मंत्री विधायक और सांसदों के मुकदमों को वापस कराया। तो ये जो भदोही का प्रकरण है वो उसमें एक कड़ी है, क्योंकि वो कानून को कहाँ मानती है भारतीय जनता पार्टी, वो तो यही परिणाम है कि आए दिन सड़कों पर अपराधी नंगा नाच कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि उनकी सरकार उनको बाद में बचा लेगी। ये भदोही के जो विधायक हैं उनका परिवार ज्वाइंट परिवार है, वो अपने भतीजे को भी वैसे ही स्नेह करते हैं जैसे बेटे करते हैं, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, उस इन्वेस्टिगेशन में जो सही होगा वो होगा, जो गलत होगा वो होगा, और इस हिसाब से। और पूर्व के भी उदाहरण है कि अगर भाजपा का कोई विधायक जो है कि कोई गलती करा होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वह जेल जाने की बात हो चाहे उसको सजा मिलने की बात है। योगी जी की सरकार बिल्कुल ही निष्पक्ष होकर के काम कर रही है, चाहे वो भाजपा का कार्यकर्ता हो चाहे वह राजनीतिक व्यक्ति हो, कोई भी गलत करेगा तो उसके खिलाफ जो है किसी तरह की छूट नहीं दी जा सकती।